सादर नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर उदयन आर्य। बंधु, इस देश के अंदर एक शहर है चंडीगढ़ शहर। चंडीगढ़ प्रदेश अपने आप में बहुत सुंदर शहर है। केवल शहर सुंदर नहीं है, यहाँ के लोग भी बहुत सुंदर हैं। उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति हैं, एक व्यक्तित्व के धनी हैं, कुशल राजनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, विनम्रता की मूर्ति है, देश को दिशा देने वाली सोच के वो धनी है, और अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने वाले वो एक उत्तम पुत्र भी है। मेरा आशय है, मेरा इशारा है, इस व्यक्ति को भाजपा ने इस लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी रूप में घोषणा की है, श्रीमान संजय टंडन जी से। जी हाँ, संजय टंडन जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध पिछले 15 वर्षों से है। मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा, क्योंकि मैं स्वयं 2000 से 2016 तक चंडीगढ़ में रहा, और उनका पूरा सहयोग, आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा मुझे सदा मिलती रही। इसलिए उनका चयन होना चंडीगढ़ प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इसलिए आज इस चर्चा में मैं आप सभी सुधी जनों से, विवेकशील लोगों से निवेदन है, एक अपनेपन के नाते कि केवल मात्र टंडन जी के व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, चंडीगढ़ प्रदेश के लिए एक उन्नति के नाते, एक संसद में एक उत्तम नेता पहुंचे, इस चिंतन के साथ साथ मैं आज आपसे एक निवेदन चाहता हूं, एक संकल्प चाहता हूं। आने वाले दिनों में इस लोकसभा के चुनाव के समय जब आपको उनको चुनने का, वोटिंग करने का अवसर मिले, तो उत्साह पूर्वक स्वयं को आगे लेकर के आएंगे, उनका समर्थन करेंगे, परंतु औरों को भी वोट डालने के लिए और टंडन जी के समर्थन में प्रयास करेंगे। इसलिए मैं इसी आग्रह के साथ में, इसी निवेदन के साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूं, टंडन जी अपने आप में चौमुखी प्रतिभा के धनी है। उनके पूज्य पिता स्वर्गीय श्री बलराम दास जी टंडन, जिनसे मेरा भी कई बार मिलना हुआ, बहुत विस्तार से उनके साथ चर्चा भी कई बार हुई। वो पूर्व में पंजाब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, बाद में छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। इसलिए मैंने कहा, पिता के पद चिन्हों पर चलने वाले संस्कारी, चरित्रवान संजय टंडन जी एक अपने आप में संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी हैं। इसलिए पार्टी के रूप में उनका चयन करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत उत्तम बात है। इसलिए मैं चंडीगढ़ वासियों से, सभी कार्यकर्ताओं से इसी अनुग्रह के साथ में निवेदन कर रहा हूं कि हम सब लोग उनके समर्थन में अपना वोट भी डालेंगे और प्रचार कार्य भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।